हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ फिर से मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं कास एडवाइजर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने खड़ी है स्कॉडा की कुशा और आज की इस वीडियो में मैं स्कॉडा कुशा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, शुरू करते हैं इस गाड़ी की डिटेल से। तो स्कॉडा कुशा जो है गाइस, MQB A0 प्लेटफॉर्म पर बनी है, बिल्कुल स्कॉडा स्लाविया की तरह ही। तो यहाँ पर जो है आपको स्कॉडा कुशा की अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें स्लाविया की तरह ही 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलती है। तो भाई, स्कॉडा कुशा की जो प्राइस है वो 10.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत है वो है 18.19 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से। बाकी अब गाइस बात करूँ इसकी, इस स्कॉडा कुशा की कलर की, मतलब ये कितने कलर में मिलती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल स्कॉडा कुशा में 5 कलर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑरेंज, रेड, वाइट, स्टील एंड सिल्वर। बाकी अब गाइस मैं इसकी जो है डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो स्कॉडा कुशा की जो फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं, तो स्कॉडा कुशा की जो फ्रंट प्रोफाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कॉडा की जो फ्रंट ग्रिल मिलती है, जो हर गाड़ियों में स्कॉडा कुशा की जो ग्रिल देखने को मिलती है, वो कुछ ऐसी ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर स्कॉडा की लोगो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रियर और फ्रंट की जो डिफ्यूज़र है वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर हनीकॉम इंस्पायर्ड जो है थोड़ी बहुत डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब गाइस बात करो यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स की, तो जब आप इसकी हेडलाइट्स को देखेंगे तो यहाँ पर मिलती है आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और उसके साथ साथ यहाँ पर हेलोजिन जो है इसकी इंडिकेटर देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो फॉग लैंप है वो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हालांकि मिलती है लेकिन स्कॉडा कुशा में यहाँ पर फॉग लैंप दिया गया है हेलोजिन बल्ब के साथ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। और गाइस यहाँ पर स्कॉडा कुशा की अगर मैं पैनल गैप की बात करूँ, तो पैनल गैप जैसे कि आप देख सकते हैं, पैनल गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। और बोनेट के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी शार्प लाइंस देखने को मिलती है, इससे जो है स्कॉडा कुशा जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो साइड प्रोफाइल जो है, सबसे पहले तो मैं व्हील्स की तरफ दिखाना चाहूँगा। तो व्हील्स जो है यहाँ पर मिलती है R17 इंच के अलॉय, जैसे कि देख सकते हैं 20555 R17 के टायर सेक्शन मिलती है, और ये 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्लैडिंग्स देखने को मिलती है, और ये जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वार्डिंग्स यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो है शोल्डर लाइन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको फिनिश जो है शोल्डर लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है स्कॉडा कुशा में। यहाँ पर जो है जो डोर हैंडल्स में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिलते हैं, यहाँ पर एक सेंसर भी ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर फंक्शनल जो है रूफ रेल्स मिलती है। और इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पर स्कॉडा कुशा की ग्राउंड क्लियरेंस को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है स्कॉडा कुशा में 179 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एक SUV की तरह ही इसमें नीचे मतलब जितनी दूसरी गाड़ी में मिलती है उतना ही स्कॉडा कुशा में भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप जो है रियर व्हील्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और व्हील के मतलब फ्रंट व्हील जो है वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स स्कॉडा कुशा में ऑफर किया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो है यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं स्कॉडा कुशा की, 1.5 लीटर और 1.0 लीटर इंजन मिलते हैं स्कॉडा कुशा की। अब इसकी जो है रियर प्रोफाइल की बात करूँ, तो रियर प्रोफाइल में तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टेल लैंप दिखाना चाहूँगा। इसकी जो टेल लैंप है गाइस, यहाँ पर जो है LED टेल लैंप मिलती है, यहाँ पर आपको जो है हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन बल्ब देखने को मिलती है और हेलोजन इंडिकेटर भी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो है आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाती है, यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स, स्कॉडा कुशा में 3 पार्किंग सेंसर्स दिया गया है, हालांकि 4 मिलती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर 3 मिलती है वो भी काफ़ी बेहतरीन बात है। यहाँ पर मिलती है आपको स्कॉडा की बैजिंग, यहाँ पर आपको दिया गया है रियर वाइपर, यहाँ पर डिफॉगर, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और जो है यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है गाइस यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शार्क विंच एंटेना देखने को मिलेगी। बाकी स्कॉडा कुशा की जो बैजिंग है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जो है क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। तो चलिए आप इसकी बूट स्पेस बूट को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बूट ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलती है 325 लीटर की बूट स्पेस। यहाँ पर आपको पीछे की सीट जो है 70-30 जो है यहाँ पर फोल्डेबल ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जो है बूट के अंदर अच्छी खासी इंसुलेशन मिलती है, यहाँ पर हुक दिया गया है, यहाँ पर भी हुक मिलती है, और यहाँ पर भी 3 kg की हुक मिलती है। बाकी यहाँ पर पार्सल ट्रे भी दिया गया है, और बूट की जो यहाँ पर है यहाँ पर आपको जो है इंसुलेशन काफ़ी अच्छी मिलती है, और एक काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलती है जैसे आप इसको आराम से खींच के बंद कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है पीछे की रियर जो कैमरा है वो आपको स्कॉडा कुशा की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइस ये तो थी स्कॉडा कुशा की रियर प्रोफाइल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवर साइड और फोर ड्राइवर साइड मतलब फीचर्स के बारे में, कम्फर्ट के बारे में। चलिए इसकी इंटीरियर में चलते हैं।
तो गाइस इंटीरियर में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको रोड दिखाना चाहूँगा स्कोडा कुशाक की। स्कोडा कुशाक की जो है यहाँ पर आपको जो है सॉफ्ट टच मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल स्कोडा कुशाक में किया गया है। यहाँ पर बीज और डार्क ब्लैक कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिलती है और यहाँ पर जो है यहाँ पर गाइस आपको फोर विंडोज़ के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको वार्ड बीम्स के कंट्रोल्स देखने को मिलती है। बाकी डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपकी एक लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी और इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको देखने को मिलती है। बाकी एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिया गया है स्कोडा कुशाक में। और एक चीज़ गाइस यहाँ पर मिलती है स्कफ प्लेट और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर हेडलैम्प्स की जो लेवलिंग है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो एसी वेंट्स है यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है और इसकी डिज़ाइन मतलब वेंट्स की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है। सीट्स की क्वालिटी की बात करूँ गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेदर एंड अपहोल्स्ट्री मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि काफ़ी सॉफ्ट मिलती है और ये जो मुझे लगता है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी ही होगी। बाकी यहाँ पर सीट की जो कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस चलिए मैं आप इंटीरियर में जाके आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्कोडा की कुशाक की जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये है स्कोडा कुशाक की इंटीरियर। और स्कोडा कुशाक की इंटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। जैसे कि मैं सबसे पहले इसकी स्टेयरिंग व्हील से बात करना चाहूँगा। इसकी जो स्टेयरिंग व्हील है वो जो है आपको लेदर ऐप देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील की जो टच क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको MID रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है स्कोडा की लोगो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश जो है देखने को मिलती है। बाकी स्कोडा की जो टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील है वो तो मुझे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर इसकी जो है गाइस इसकी मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर एनालॉग मतलब यहाँ पर छोटी सी एक MID मिलती है, बाकी यहाँ पर सब जो है एनालॉग मिलती है। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलती है, यहाँ पर RPM मीटर मिलती है, यहाँ पर जो है यहाँ पर पेट्रोल मतलब फ्यूल के जो मीटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आप यहाँ पर MID के कुछ देख सकते हैं। बाकी गाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में गाड़ी मतलब कार की कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस MID के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस बात करूँ यहाँ की तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने को मिलती है और बाकी यहाँ पर जो है गाइस यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑटो हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। बाकी और एक चीज़ जो है गाइस मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो है इसकी स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ टिल्ट एंड टेलीस्कोपी दोनों ही मिलती है गाइस, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अब गाइस बात करूँ इस तरफ की तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर कई मतलब सॉफ्ट टच नहीं मिलते, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर जो है थोड़ी जगह दिया गया है, जो मतलब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिलती है, मतलब कई लोग हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि कोई मूर्ति वगैरह हो गई, कुछ और सी चीज़ें हो गई तो ये आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। स्कोडा की तरफ से यहाँ पर जगह बनाया गया है। बाकी यहाँ पर बात करूँ तो इस यहाँ पर आपको मिलती है और ऑटो डिमिंग RVM यहाँ पर मिलती है आपको, जो है सनवाइजर और ड्राइवर से सनवाइजर में आपको कोई वैरेंटी मिरर नहीं मिलती, लेकिन ड्राइवर से सनवाइजर में आपको वैरेंटी मिरर देखने को मिलती है। और बात करूँ इसकी और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मिलती है एक हैंडल बार। और गाइस यहाँ पर इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अगेन आपको काफ़ी अच्छी जो है टच एंड फिनिश देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो डिज़ाइंस है ये काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको डार्क ब्लैक कलर में मिलती है, यहाँ पर आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है और यहाँ पर जो है काफ़ी अगर आप सामने से देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक डिज़ाइन मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन जो है काफ़ी एक बेहतरीन डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश मतलब यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पर आपको स्कोडा की बैजिंग मिलती है। और बात करूँ इसकी ग्लोव बॉक्स की तो ग्लोव बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिलती है, यहाँ पर आपको कूलिंग ग्लोव बॉक्स भी ऑफर किया गया है। तो गाइस ये है स्कोडा कुशाक की इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पर जो है गाइस काफ़ी मतलब स्कोडा स्लाविया की तरह 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बिल्कुल स्कोडा स्लाविया जैसी ही देखेगी, मतलब इसकी दिखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो सेटिंग्स है वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलती है बिल्कुल स्कोडा स्लाविया की तरह। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ मिलती है, यहाँ पर जो है ऑडियो की सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एक सेकेंड गाइस, बाकी इसकी जो है स्कोडा स्लाविया यहाँ पर जो ऑडियो की सेटिंग मिलती है, यहाँ पर फोन कनेक्ट मिलती है, यहाँ पर जो है स्कोडा की जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर लाइट के कंट्रोल। तो ये है गाइस वैले मोड यहाँ पर स्कोडा स्लाविया में, जैसे कि मैंने आपको बताया वैले मोड क्या है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं स्कोडा स्लाविया के भी वीडियो। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर आप ब्राइटनेस घटा और बढ़ा सकते हैं, बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे घटा दिया। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की जो बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर सिस्टम के अंदर फोन,
ब्लूटूथ ऑडियो डिस्प्ले वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, टच स्क्रीन, साउंड, ऑटोमेटिक वैले मोड, ये सब आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर म्यूजिक के कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर स्कॉडा की जो प्ले ऐप्स वगैरह है, एक सेकेंड गाइस, स्कॉडा की जो यहाँ पर जो प्ले ऐप्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइस स्कॉडा की जो है यहाँ पर स्कॉडा स्कूशा की जो गाड़ियों की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, समय, एवरेज स्पीड, वो सब आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्कॉडा की जो प्ले ऐप्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी इसकी जो टच रिस्पॉन्स है, स्कॉडा कुशा की जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम की जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी है, आपको बिल्कुल लैग वगैरह देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्मूथ जो है इसकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और गाइस ये होगी इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात। अब बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर मिल जाती है आपको दो एसी वेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर जो है कुछ आप एसी वेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, और यहाँ पर जो हैजर लाइट के बटन मिलते हैं, यहाँ पर कुछ एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर डोर लॉक के बटन मिलते हैं, यहाँ पर इंजन ऑटोमेट ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसकी एसी की बात करूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है स्कॉडा कुशाक में। और इसके अलावा अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दो मिलती है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो है, यहाँ पर गाइस आपको मिलती है ऑटो, मतलब यहाँ पर मिलती है गाइस वायरलेस चार्जिंग के लिए ऑप्शन, स्कॉडा कुशाक में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मिलती है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्कॉडा कुशाक में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। बाकी इसके साथ साथ स्कॉडा कुशाक में आपको एक 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी स्कॉडा कुशाक में ऑफर किया गया है। बाकी अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर की रखने के लिए एक थोड़ी सी स्पेस दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो है कप होल्डर मिल जाती है, और कप होल्डर में काफ़ी ग्रैब, कप को अच्छी तरह से ग्रैब करने के लिए यहाँ पर जो है ये सब देखने को मिलती है। बाकी अब इसकी आर्मरेस्ट की बात करूँ गाइस, तो आर्मरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी सही देखने को मिल रही है। बाकी अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वैसे, तो आप थोड़ी इसको स्लाइड करके आप आराम से अपना हाथ रख सकते हैं। बाकी इसकी जो है मतलब आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करूँ, तो यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस जो है ऑफर स्कॉडा कुशाक में किया गया है। अब गाइस बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर जो है आपको लाइट वगैरह मिल जाती है, लेकिन गाइस गाड़ी में जो है बैटरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपको जो है सनरूफ ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं स्कॉडा स्लाविया में जैसी सनरूफ मतलब जितनी साइज की सनरूफ ऑफर किया गया है, ठीक वैसे ही स्कॉडा कुशाक में भी जो है सनरूफ ऑफर किया गया है। बाकी ये जो है आप यहाँ से एक वन टच जो है सनरूफ ये है, बाकी वन टच करेंगे तो ये जो सनरूफ है एक बार में ओपन हो जाएगी। तो गाइस यही है बाकी इसकी सनरूफ, तो यही है स्कॉडा कुशाक की इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की जो फीचर्स मिलते हैं वो मैंने आपको सभी बता दिया है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी पैसेंजर साइड सीट की तरफ, वहाँ पर कितनी कंफर्ट मिलती है और यहाँ पर कितनी फीचर्स मिलती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस पीछे की सीट की तरफ जाने से पहले मैं आपको पीछे की डोर की जो क्वालिटी है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको सेम सॉफ्ट टच मिलती है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो है ग्रे कलर और ब्लैक कलर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। और डोर पॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एक जो है स्पीकर ऑफर किया गया है। चलिए गाइस अब चलते हैं इसकी पैसेंजर साइड पैसेंजर सीट की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पीछे की सीट की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नी रूम की। तो यहाँ पर जो ये सीट जो है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर नी रूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी नी रूम मिल जाती है। और यहाँ पर जो है सीट के अंदर यहाँ पर डोर पॉकेट्स दिया गया है, और मोबाइल रखने के लिए जो है थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसकी आर्मरेस्ट की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी काफ़ी सॉफ्ट जो है, जैसे कि आप देख सकते काफ़ी सॉफ्ट आर्मरेस्ट यहाँ पर मिलती है, दो कप होल्डर यहाँ पर दिया गया है। बाकी 3 पैसेंजर्स के लिए 3 जो है हेडरेस्ट आपको ऑफर किया गया है, वो भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। और अगर बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर जो है आपको 2 AC wheels मिल जाती है पीछे के पैसेंजर के लिए, 2 C-type चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ऑफर किया गया है, यहाँ पर मिलते हैं एक हैंडल बार, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपको जो है 2 रीडिंग लाइट ऑफर किया गया है स्कॉडा कुशाक में। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ पीछे की सीट की, तो पीछे की सीट की जो कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी ठीक है, और आप आराम से लॉन्ग ट्रिप वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस स्कॉडा कुशाक जो है इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आशा करता हूँ डिटेल में बताया, स्कॉडा कुशाक की जो फीचर्स है इंजन डिटेल्स है, कंफर्ट कितनी है, पीछे की सीट, फ्रंट सीट, सभी चीज़ों के बारे में गाइज मैं आशा करता हूँ मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कासेप्टवाइजर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली और एक नई गाड़ी के साथ। Thank you.